वीडियो शुरू करने से पहले देखो, अगर आप भी चाहते हैं ऐसी खुशखबरी, ऐसे बच्चे, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर अपने लिए मेडिसिन मंगवा सकते हैं प्रेग्नेंट होने की। आपकी बॉडी में या फिर आपके हस्बैंड में कोई भी प्रॉब्लम हो, A to Z मेडिसिन दी जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने की। मात्र 30 दिन की दवाई देते हैं, 30 दिन में प्रेगनेंसी रुक जाती है, और गारंटी की दवाई देते हैं, दवाई को होम डिलीवरी करवा देते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज और कॉल करें, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा। और जो अब हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हम उनकी तरफ बढ़ते। हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, ये मेरी वाइफ कोयल हैं, और हमारे सामने बैठी एक 7 साल की बच्ची जो कि हमारी लड़की है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले हुई है। और एक हमें लड़का भी है जो कि समथिंग अभी 2 साल कंप्लीट करके तीसरी साल अभी में तीसरे साल में लग चुका है। सो देखिए, वीडियो का जो मकसद है, जो मोटिव है, वो ये बताना नहीं है कि हमारे कितने बच्चे हैं। अब देखो, वीडियो बनाने का मकसद हमारा इतना है कि देखो, बहुत सारे लेडीज़ ऐसी हैं कि जो प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, या फिर प्रेगनेंसी सेक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हैं। आजकल की माता बहनें तो बहुत एडवांस हैं, लेकिन कुछ बहुत सीधी और शरीफ भी होती हैं। तो आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब देखो, ये वीडियो कुछ कुंवारी लड़कियां भी देख सकती हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो भी देख सकती हैं, क्योंकि ये जो फेज है, ये सभी के बीच में आता ही आता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे 5 लक्षण बताऊंगा, 5 ऐसे सिम्टम बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपने बॉडी में देखती हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। बाकी जो ये चीज़ें पता चलती हैं, वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद ही पता चलती है, जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। गाइस, पहला जो सिम्टम है वो ये है कि जब आपकी डेट आती है, नॉर्मली जो डेट आती है, पीरियड्स आते हैं, अगर वो सेम डेट पर आते हैं हर महीने, और इस महीने नहीं आए हैं, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। नंबर 2, प्रेगनेंसी के अंदर आपको वोमिटिंग यानी उल्टियों का जैसा फील होगा। नंबर 3, आपको थिकनेस यानी थकान वगैरह बहुत ज़्यादा होगी बॉडी में। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। ओके, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हैं कि जिनको ये सिम्टम नज़र नहीं आते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लेडीज़ को सिम्टम्स नज़र आएं, कुछ को आएंगे, कुछ को नहीं आएंगे। तो देखो, फाइनल तो जवाब यही रहेगा कि आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए पीरियड मिस होने के समथिंग 7 से 8 दिन बाद। कुछ महिलाओं का तो ये होता है कि जिनके पीरियड रेगुलर नहीं होते, उनको खाली दिन भी चढ़ जाते हैं, तो उनके लिए भी जी मिचलाना बहुत नॉर्मल बात है। हाँ, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हैं जिनके पीरियड बिल्कुल टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, किसी के 5 दिन 10 दिन लेट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके छोड़ो, ऐसी कंडीशन में भी आपका जो है ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप गाइस, जो हमने समझाने की कोशिश की है वो आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।